अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आफ्टर लॉन्ग टाइम हमारी मुलाकात हो रही है, क्योंकि मैं वीडियोस वगैरह नहीं बना रहा था। मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। अब मैंने मोबाइल नया ले लिया आप लोगों की दुआओं से, तो इंशाल्लाह अब मैं वीडियोस बनाऊंगा और आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। और आप सब बताएं कि मुझे किस चीज़ के ऊपर वीडियोस बनानी चाहिए। मुझे व्लॉगिंग करनी चाहिए, मुझे रोस्टिंग करनी चाहिए, या रोड शो करना चाहिए, या एज अ न्यूज़ कोई वीडियो बनानी चाहिए, या रिपोर्टिंग करनी चाहिए। तो आप लोग मुझे अच्छा गाइड कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो फ़िलहाल आज तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एज अ व्लॉग। मैं जा रहा हूँ हदीद बाइक पर, वो भी अपने जिगरी के साथ। तो हदीद पहुँचते हैं, रास्ता भी दिखाते हैं, रास्ते में जो मिलते हैं उन लोगों को भी दिखाते हैं, और फिर हदीद के दोस्तों को भी दिखाते हैं। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी पूरे रास्ते में, और बस देखते रहिएगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम गुलशन हदीद जा रहे हैं, तो अब हम तकरीबन पहुंच चुके हैं। स्टील टाउन के अंदर हम दाखिल हैं। इतना खूबसूरत स्टील टाउन बना हुआ है, इतनी ग्रीनरी, इतनी ग्रीनरी, ये हम देख के हैरत हो गई, ये कराची की कोई जगह है। लेकिन आगे कराची वाले ही चल रहे हैं, इन्होंने जैसे ही जूस ख़त्म हुआ ना डब्बा कल्टी कर दिया रोड के ऊपर ही। बहुत ही मज़ेदार किस्म का रोड है। और हमारे साथ हमारे दोस्त मिस्टर एहसन जावेद मौजूद हैं। तो एहसन भाई, आपको कैसी लग रही है जगह? बहुत अच्छी जगह है माशाल्लाह। अब ये बताएं, सीधा जाना है उल्टे हाथ पे जाना है? यार अब एरो पूछ लेते हैं, ये बंदे खड़े हैं, पूछ लो आप। यार ये ऑफिसर क्लब कहाँ है? Okay. हमें ऑफिशियल क्लब पता नहीं था, और तो हमने यहाँ पे कुछ लोग जा रहे थे उनसे पता करा, और अब हम ऑफिशियल क्लब के लिए मुड़ चुके हैं। तो बस इसी रोड पे आगे कहीं आएगा ऑफिशियल क्लब, तो वहीं जाएंगे। हाँ जी, तो एहसन भाई इतना खूबसूरत, ऐसा लग ही नहीं रहा हम कराची के अंदर घूम रहे हैं क्या? बहुत खूबसूरत है। हाँ, यहाँ पे ऐसा लग भी नहीं रहा इतना चोरी डकैती का डर है। कौन सा इलाका ये? चोरों का इलाका। अरे क्या कह रहा है, तुझे चोरों के इलाके में चोरी थोड़ी होगी। बहरहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ की सिक्योरिटी वगैरह बहुत टाइट है, इसकी वजह से वो आ गया। भाई गेस्ट हाउस के बाहर खड़ा हुआ था ना उसने, भाई उसने बोला था गेस्ट हाउस के बाहर, लेकिन यहाँ दूर दूर तक हमें कोई भी नहीं दिख रहा। हमारा दोस्त इधर हमारा वेट कर रहा था, लेकिन अभी कोई भी नहीं दिख रहा। माँ साथ ये देखें, ये गेस्ट हाउस का गेट है और हम लोग इंतजार कर रहे हैं माँ साथ का। तो अब देखते हैं कि मसाद हमें कहाँ मिलते हैं। हाँ जी, तो मसाद ने बताया वो थोड़ा आगे है, अब हम आगे की तरफ ही जा रहे हैं। यार बहुत खूबसूरत है, इतनी सफाई कराची में हो जाए ना, यकीन करो मज़ा आ जाएगा। भाई किधर है मसाद? अरे मसाद अपने अब्बू को वॉक करा रहा है भाई। तो अच्छी कहाँ से जाएंगे, रास्ता बंद है यार। हाँ भाई ये रास्ता है, बाप की खिदमत करना भी ना जिंदगी को नेकियों से भरना, बस बाप की अगर आदमी खिदमत कर ली तो। अब आप ये देखेंगे इतना अच्छा इलाका है, हमें पता है कि बाइक कहाँ खड़ी करनी है। हम सीधे पार्किंग में आके खड़ी कर दी पूरा, क्योंकि एक ही जगह बनी हुई थी। अगर आप ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें तो हालात भी सही हो जाए हमारे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब हम जा रहे हैं मसाद की तरफ, वो हमारे दोस्त हमारे मसाद अभी अभी जाए उमरा करके आए, तो मुलाकात करेंगे अब हम। ये ऑफिसर, पाकिस्तान स्टील ऑफिसर मेज का रिसेप्शन है। ये पार्क बना हुआ है, यहाँ शाम में आप वॉक वगैरह भी कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत है। मैं तो फर्स्ट टाइम ही आया हूँ भाई। ये मसाद और एहसन गढ़। तो भाइयों हमारी हो गई है बहुत बड़ी ख्वारी, क्योंकि हम बहुत अंदर आ गए थे स्टील टाउन के, क्योंकि वहीं पर ही दोस्त वगैरह हमारा मौजूद था। लेकिन अब वही है कि हमारी जो बाइक थी ना वो हो गई है पंचर। तो हमारा जो दोस्त है एहसन, वो गाड़ी का पंचर लगवाने के लिए गया हुआ, तो मैं भी वहीं जा रहा हूँ। देख सकते हो
बहुत दूर से चलता हुआ आ रहा, इसी रोड पे सीधे सीधे जाता रहूँगा, आगे मेन हाईवे आ जाएगा। कितना पुरसकून इलाका है ये, और बहुत खूबसूरत है, ऐसा लग रहा है कि गाँव के अंदर हम आए हैं। सेल टाउन है ये और बहुत खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ की ज़िंदगी अलग लग रही है मुझे तो भाई। बंदे को अगर इस हालात के अंदर कराची के सुकून लेना हो तो थोड़ा सा आगे स्टील टाउन का लुत्फ कर ले भाई, बहुत सुकून है यहाँ पर। आखिरकार एहसन भाई पंचर लगवा के आ गए और अब हम वापसी हबीब के लिए जा रहे हैं। तकरीबन पौन घंटे के बाद ही आए हैं, बहुत दूर चले गए थे हम भी, इसकी वजह से ये भी देर में आए। तो अदीत पहुंच गया और अभी मगरिब का टाइम है, इस टाइम बातें करते नहीं, तो रात में थोड़ी देर में बात करते। जी हाँ बिल्कुल, तो हम फाइनली घर पर आ चुके हैं और अब सोने के लिए लेटेंगे क्योंकि थक बहुत गए, पूरा दिन ही लग गया। तो बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो उसको शेयर भी कीजिएगा और मुझे लाजमी बताइएगा कि मैं वीडियो अब किस कॉन्टेंट के ऊपर बनाऊँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।